हजरत फातिमा फरमाती हैं, हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर उजरे में रो रहे और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी को ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा छट से पर्दा ओढ़ा हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई, कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया, फरमाया फातिमा आ गई हो। हुजूर आई, फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग, चल तू भी हाथ उठा मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, वो बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा, चल तू हाथ उठा दुआ मांग।